into my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे हो। मैं हूं दीपेंद्र पाल, हमारे YouTube चैनल इजी टू मैक प्रो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन दोस्तों बहुत गर्मी पड़ रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले ऐसा एक कप कूलिंग मशीन। तो दोस्तों, इसके अंदर आप कोई सा भी कप या बोतल को रखकर उसका पानी ठंडा कर सकते हो। और दोस्तों, ये 12 वोल्ट से चलता है, इसलिए आप इसको कान में भी फिट कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उससे ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों, आपको ऐसा एक हीट सिंक लेना है। ये मैं लोकल कोई भंगार वाले के पास से लेकर आया हूं, जो मुझे 80 या 90 रुपए में मिल चुका है। और दोस्तों, इसके साथ ऐसा फ्रेम रहेगा। और दोस्तों, इसके साथ ऐसा आपको एक सीपीयू कूलिंग फैन लगाना होगा। तो दोस्तों, ये जो फैन इसके साथ आया था, लेकिन ये जो फैन ख़राब था, तो मैं जो अंदर का मटेरियल निकल कर इधर में रेजिस्टेंस की मदद से देखा है, इधर में एक 9 वोल्ट की मोटर लगा दिया हूँ, जिससे बहुत अच्छे से ये रन करता है। और दोस्तों, ये अच्छे से इधर में फिक्स भी होता है। तो इधर में हम ऐसे स्क्रू को खोलेंगे, और दोस्तों ये जो फैन है, फैन को अच्छे से इधर में फिक्स करेंगे, और दोस्तों अच्छे से इसको जो स्क्रू है एक एक करके सबको लगा देंगे। अब दोस्तों, 12 वोल्ट 6 एम्पियर का ऐसा पेंटियम मॉड्यूल ले लेंगे। ये इसका कोल्ड साइड है, ये इसका हीट साइड है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर अलग करके लगाते हैं तो कोल्ड वाला हीट और हीट वाला कोल्ड हो जाता है। उसके ऊपर हम इसको कुछ ऐसा करके लगाएंगे। तो पहले दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो फैन है इस तरफ घूमता है तो हवा इस साइड से निकलता है। अब दोस्तों, इसके ऊपर ऐसे आपको देखिए हीट सिंक का जो प्लेट है, इसको हमने काट लिया है, काट के ऐसा बना लिया है और अंदर से जोड़ लिया है, देख सकते हैं। तो ये जो हमने जोड़ा है एक टेप की मदद से जोड़ा है, लेकिन बाद में जब हमको इसको फिक्स करना है तो ये टेप खोल देना होगा। तो देख सकते हैं, हमने कुछ ऐसे करके इसको फिक्स किया है। तो दोस्तों, ऐसे आपको पीवीसी पाइप लेना है, इसका माप देख सकते हैं, ये जो 11 सेंटीमीटर का है। और इसके ऊपर ऐसे आपको एक पेपर लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों, इसका जो सामने का दिख है इसको प्लेन करना है, कट कर आपको इधर में देख सकते हैं, आपको 9 सेंटीमीटर का माप लेना है। और दोस्तों, ऐसे करके मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद दोस्तों, ऐसे हेक्सा ब्लेड के द्वारा इसको काट लेना है। तो ये हमें मिल चुका है। अब दोस्तों, इसके अंदर ये जो है अच्छे नहीं घुस रहा है, तो इसको क्या होंगे, हम इसको काट लेंगे। तो हमने काट लिया, देख सकते हैं अब ये अच्छे से घुस रहा है, लेकिन ये जो गैप है, गैप को भरने के लिए इधर में और एक पीवीसी पाइप का पीस लगा देंगे। इसको हमें जोड़ना है एकदम प्लेन माप के, इसलिए हमको ऐसे पीवीसी पाइप के ऊपर इसको चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद दोस्तों, ये जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों, ऐसे छोटा छोटा पीवीसी पाइप का पीस हम इधर में लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों, ये कुछ ऐसा हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों, इधर में जो फैन है बहुत अच्छे से इधर में फिक्स हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों, इधर में ऐसे एक देखिए, हमने पीवीसी पाइप का शीट गोल करके काट लिया है। अब दोस्तों, एक अच्छे से इधर में फिक्स भी हो रहा है। अब दोस्तों, इसका जो मीट वाला पॉइंट है, मीट वाला पॉइंट से हमको इधर में मार्क करना है, ऐसे प्लस वाला मार्क करना है। करने के बाद दोस्तों, इधर में ऐसे पेंटियम मॉड्यूल को लगाएंगे, तो ऐसे करके मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों, इसको हमें कुछ कटर के द्वारा ऐसे करके काट लेना है। कटने के बाद दोस्तों, एक कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब इधर में पेंटियम मॉड्यूल अच्छे से फिक्स हो रहा है। अब दोस्तों, इसके ऊपर इसको लगाएंगे। लगाने के लिए दोस्तों, इसका मार्क करना होगा, तो मिडिल में एकदम लगाएंगे। तो मैं मार्क करके मदद से इसको मार्क कर देता हूँ। मार्क करने के बाद दोस्तों, इधर में जो हमें मार्क मिलेगा, इसको हमें छेद करना है, तो हमने छेद कर लिया है और इसको अच्छे से लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों, फेविकोल से इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको लगाने के बाद हमारे में एक होल करना होगा, क्योंकि इससे पेल्टियर मॉडल का जो तार है अंदर की तरफ घुसेगा। और दोस्तों, ऐसे एक पीवीसी पाइप का जो पहले का माप था, उसी माप से ऐसे गोल करके काट लिया है फैन के माप से। अब दोस्तों, फेविकोल से इसको चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद दोस्तों, ये कुछ हमारा अच्छे से हो जाएगा। अच्छे से चारों तरफ फेविकोल दे देंगे। अब दोस्तों, ये अच्छे से चिपक चुका है। अब दोस्तों, फिर से जो हमने जो बनाया था उसके ऊपर इसको माप करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे करके नाप लेंगे। नाप लेने के बाद दोस्तों, इधर में जो मार्क है हमें एक एक करके लेना है। अब दोस्तों, इधर चारों तरफ ऐसे करके हम मार्क सीट टेप लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं आपको बाद में पता चल जाएगा। एक एक करके चारों तरफ आपको लगाने के बाद आपको इसको ऐसे करके रखना है, देख सकते हैं। और जैसे जो हमने मार्क किया था उसको ऐसे आपको मार्क कर लेना है। अब दोस्तों, नीचे में भी करेंगे। करने के बाद दोस्तों, ये जो ऊपर वाला है, इधर में दोनों डिवाइड करेंगे। करने से हमारा जो मार्क मिल जाएगा, देख सकते हैं, इसको हमें काट लेना है कुछ ऐसे करके। तो हम हेक्सा ब्लेड के द्वारा इसको काटेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने काट लिया है बहुत अच्छे से फिनिशिंग देकर।
देख सकते हैं, और चारों तरफ हमने नीचे की तरफ एकदम प्लेन करके काटा है। अब दोस्तों ऐसे छोटा छोटा पीवीसी पाइप का पीस लेंगे और ऐसे करके चिपका देंगे, जिससे एक डिज़ाइन हो जाएगा और दोस्तों इधर से हीट अच्छे से भी निकलेगा। तो हमने अच्छे से पीवीसी चिपका दिया है। अब दोस्तों देख सकते हैं ये इसके अंदर ऐसे करके लगेगा। तो इसके ऊपर पहले हमें ऐसे पेपर लेना है राउंड शेप में, इसके ऊपर रखकर इसका डिज़ाइन कर लेना है। देख सकते हैं हमने कर लिया है, उसी माप का हमें ऐसे पीवीसी पाइप का पीस काट लेना है। काटने के बाद दोस्तों जो देखिए ऐसे करके आपको मीट वाला इसका हिस्सा निकलना है। और दोस्तों जो हमने ऐसे हीट सिंक की जो ऐसे प्लेट काटी थी उसको लेंगे और ऐसे मार्क करेंगे। जो हमें मार्क मिलेगा दोस्तों ऐसे देख सकते हैं कटर के मदद से इसको काट लेंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों इधर में जो हीट सिंक का प्लेट ऐसे करके चिपकाएंगे तो देख सकते हैं एक साइड जो है इसका एकदम प्लेन सरफेस रहेगा, जो ऊपर की तरफ रहेगा, देख ही सकते हैं। अब दोस्तों इधर में जो हमारा टेप है इसको निकाल लेंगे। अब दोस्तों ये देख सकते हैं ऐसे पीवीसी पाइप हमने काट कर जोड़ कर ऐसे बना लिया है थोड़ा पतला सा। अब दोस्तों इसको फेविक्विक के अच्छे से इसको चिपका देंगे। देख सकते हैं कटर की मदद से जो है फेविक्विक को चारों तरफ हमने डाल दिया है। अब दोस्तों और एक ऐसे पीवीसी पाइप का देख सकते हैं पीस लेंगे, और दोस्तों इसका लंबाई में देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर है। तो इसको भी इधर में कुछ ऐसे करके चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए हम फेविक्विक का यूज़ करेंगे, अच्छे से फेविक्विक दे देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कटर की मदद से इसको फिर से चारों तरफ फैला लेंगे, जिससे अच्छे से चिपक जाए। अब दोस्तों इसके ऊपर ऐसे पीवीसी पाइप का पीस हमको चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए पहले फेविक्विक से आपको चिपका लेते हैं। अब दोस्तों इधर में जो मिलेगा आपको ऐसे रेत पेपर की मदद से अच्छे से घिस लेना है। तो देख सकते हैं हमने घिस के बहुत अच्छे से फिनिशिंग इसका ला चुका है। देख सकते हैं साइड भी बहुत अच्छे से हो चुका है। अब दोस्तों इधर में छोटा छोटा होल किया है, क्योंकि इधर में जो हमें नट लगाना है। अब दोस्तों इधर में और इस साइड में हमें इसको वाटरप्रूफ करना है, इसलिए हमने एयर लाइट लगाया है। तो अच्छे से इधर में हम एयर लाइट लगा देते हैं। आप चाहे तो एम सील का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब दोस्तों ऐसे करके मिस्ट करके आपको देख सकते हैं कुछ ऐसे करके आपको लगा देना है। हम अच्छे से पूरा का पूरा लगा देते हैं और पीछे की तरफ भी इसको लगाएंगे कुछ ऐसे करके। अब दोस्तों ये सूख जाने के बाद आपको इधर में देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हमारा हो चुका है। अब दोस्तों इधर में कुछ ऐसे करके आपको देख सकते हैं इसका नट बोल्ट है। आप खुद से भी नट बोल्ट लगा सकते हैं या फेविक्विक से भी चिपक सकते हैं। इधर में ऐसे नट बोल्ट रहता है, देख सकते हैं। और दोस्तों नट को खोलने के बाद देख सकते हैं बोल्ट कुछ ऐसे स्प्रिंग टाइप ऐसा मिल जाता है। तो ये करके सब खोल लेंगे। खोलने के बाद दोस्तों जो हमारा पेल्टियर मॉड्यूल है देख सकते हैं इसका जो एक हॉट वाला साइड है इस साइड में लगाएंगे, कूल वाला साइड ऊपर का साइड है। तो ऐसे हीट सिंक पेस्ट आपको ले लेना है, देख सकते हैं। और दोस्तों अच्छे से पेस्ट को इधर में अप्लाई कर देना है। इसको लगाने के बाद दोस्तों पेल्टियर मॉड्यूल जो है उसके ऊपर भी लगा देंगे जो हीट वाला साइड है। और दोस्तों इसको कुछ अच्छे से इसके ऊपर लगाने के बाद ये हीट सिंक के ऊपर लगा देंगे। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अच्छे से इसको प्रेस करना है। करने के बाद दोस्तों ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों इस होल से इस वायर को बाहर की तरफ निकल देंगे। अब दोस्तों इसके ऊपर इसको लगाना है, तो इसलिए इसके ऊपर भी फिर से हीट सिंक जो पेस्ट है अच्छे से लगा देंगे। देख सकते हैं अच्छे से अप्लाई कर देंगे। लगाने के बाद दोस्तों इधर में आपको जो है इसके ऊपर रखना है कुछ ऐसे करके, देख सकते हैं। और ऐसे करके घिसना है थोड़ा सा, जिससे अंदर के जो कोई बबल है तो वो निकल जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने अच्छे से घिस लिया। अब दोस्तों इधर में नट बोल्ट अच्छे से लगाएंगे। देख सकते हैं हमने बोल्ट लगा दिया है और नट भी लगा रहे हैं इधर में। ऐसे करके एक एक करके चारों को हमको लगा देना है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और अच्छे से फिक्स्ड हो जाएगा। तो हमने देखिए चारों को लगा दिया है। अब दोस्तों एक एक करके इस नट को पकड़ेंगे और बोल्ट को टाइट देंगे, तो ये एकदम फिक्स हो जाएगा। स्प्रिंग रहने से ये बहुत अच्छा होगा। अब दोस्तों ऐसे कुछ आपको 4 वोल्ट की LED लेना है, देख सकते हैं। आप दोस्तों इधर में कुछ ग्लू गन की मदद से ग्लू देंगे और LED को चिपका देंगे चारों तरफ। ऐसे करके चिपकाने के बाद दोस्तों चारों हम जब चिपका देंगे, उसके बाद आपको दोस्तों एक कॉमन वायर लेना है जो इसका ग्राउंड वाला कनेक्शन करेंगे। तो ऐसे सफ़ेद वायर हमने ले लिया है। अब एक एक करके इसका सोल्डरिंग करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका जो चारों LED है, चारों LED के साथ एक ही वायर आपको सोल्डरिंग करना है, क्योंकि ये ग्राउंड वाला कनेक्शन है। दोस्तों इसको सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं ऐसे पॉजिटिव वाला दोनों वायर लेना है। अब दोस्तों दोनों एक साइड में दोनों LED के साथ इसका कनेक्शन करेंगे और एक साइड में दोस्तों दोनों LED के साथ इसका कनेक्शन कर लेंगे। अब दोस्तों ऐसे आपको 1K की दोनों रेजिस्टेंस लेना है। अब दोस्तों रेजिस्टेंस को एक साइड के साथ लगाएंगे और एक रेजिस्टेंस को दूसरी तरफ के लगाएंगे। अब दोस्तों दोनों को एक साथ मिला लेंगे, क्योंकि इधर में हमें पॉजिटिव इनपुट देना है।
अब दोस्तों इधर में हमने जो पेंटियर मॉड्यूल है उसका तार को थोड़ा सा खोल लिया। अब दोस्तों इधर में मोटर का जो तार है मतलब फैन की जो तार है इसको कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एलईडी का जो तार है उसको भी कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों नेगेटिव वाला कनेक्शन भी सेम तरह से हम कर देंगे। और दोस्तों एलईडी का जो कनेक्शन है सेम प्रोसेस है, एलईडी का जो तार है उसको भी कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों आपको 0.1 माइक्रोफैरेड सिरेमिक कैपेसिटर आपको लेना है। अब दोस्तों इधर में कुछ ऐसे करके आपको इधर में चिप लगा देना है सोल्डरिंग, जिससे ये अच्छे से जो आपका एलईडी है ग्लो करेगा, वरना अच्छे से एलईडी ग्लो नहीं करेगा। अब दोस्तों ऐसे करके आपको दोनों होल करना है। होल करने के बाद दोस्तों इधर में से ऐसे वायर को निकाल लेंगे, फिर से जो रेड वाला वायर है इधर से घुसा कर इस साइड से निकाल देंगे। और दोस्तों जो ब्लैक वाला वायर है मतलब नेगेटिव वाला वायर उसको भी बाहर निकाल लेंगे। अब दोस्तों आपको एक स्विच लेना है, देख सकते हैं ऐसे एचटीपीसी स्विच। और दोस्तों आपको ऐसे एक 12 वोल्ट की जो फीमेल जैक है आपको ले लेना है। अब दोस्तों इसको कुछ ऐसे करके इधर में हमें लगाना है, तो पहले मार्क कर लेंगे, दूसरी तरफ भी सेम टू सेम ऐसे करके इसको रखकर मार्क कर लेंगे, और जो मार्क मिलेगा उसको हम काट लेंगे। तो देख सकते हैं हमने काट लिया है। अब दोस्तों इसको इसके अंदर कुछ अच्छे से फिक्स कर देंगे, देख सकते हैं हो चुका है। अब दोस्तों इधर में स्विच को लगाएंगे कुछ ऐसे करके, और दूसरी तरफ दोस्तों जो हमारा जैक है उसको भी लगाएंगे। तो पहले हम इधर में सोल्डरिंग कर देते हैं, तो वायर को सोल्डरिंग करके देख सकते हैं इसको एक एक करके अच्छे से लगा देते हैं स्विच के साथ। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो पॉजिटिव इनपुट और नेगेटिव इनपुट है इसके दोस्तों कनेक्शन कर देंगे कुछ ऐसे करके, और दोस्तों सोल्डरिंग कर देंगे। एकदम सिंपल कनेक्शन है दोस्तों। अब दोस्तों इसको इस कुछ ऐसे करके लगा देंगे और फेविकोल से चिपका देंगे, इसको भी फेविकोल से चिपका देंगे, और अच्छे से घिस कर ऐसे हमने फिनिशिंग ला चुके हैं, देख ही सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों इसको कुछ हम पेंट करेंगे सफ़ेद पेंट, तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छा दिख रहा है ये सफ़ेद पेंट करने से, और दोस्तों अच्छे से काम भी करता है। अब दोस्तों इसको हम 12 वोल्ट की इनपुट देंगे, और दोस्तों स्विच को ऑन करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों ये चल रहा है, मैं आपको अच्छे से दिख रहा हूँ, फैन भी चल रहा है देख ही सकते हैं। अब दोस्तों इधर में ऐसे आपको कोई कप या ग्लास को रख सकते हैं पानी रखकर, जिससे बहुत अच्छे से ठंडा होगा और अंदर की तरफ रहेगा, जिससे बाहर से कोई भी हीट अंदर की तरफ नहीं जाएगा। अब ऐसे पानी देखकर पानी को भी डायरेक्ट ठंडा कर सकते हैं, कोई भी लीकेज नहीं है इसमें देख ही सकते हैं। अब दोस्तों आप चाहे तो ऐसे बोतल भी इधर में रख सकते हैं, जिससे बोतल भी ठंडा होगा, और गैप में दोस्तों पानी देकर ये पानी की मदद से दोस्तों जो बोतल का पानी है अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और दोस्तों आप मैं आपको इसका हीट दिखाता हूँ, बाहर का जो टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन दोस्तों अंदर का जो टेम्परेचर है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इधर में देख सकते हैं जो फैन से बहुत ज़्यादा हीट निकल रहा है, तो अंदर के मैं इसको लगा देता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, दोस्तों देख सकते ये बहुत अच्छे से हीट जो है पीपीस होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी घट रहा है। तो दोस्तों इसका जो टेम्परेचर है एकदम 4.5 तक मैंने ले गया था। तो इधर में मैं ज़्यादातर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अब से मैं इधर में वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है 10.7 डिग्री तक चला गया है। तो दोस्तों एक कप कूलिंग मशीन का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता है अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके दोस्तों का शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसको बनाना जान सके या सीख सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।